Good morning students, my name is Shalini Mishra from Asha National English School and Good Shepherd Education Center. Welcome to our online class. This class is only for class 2nd students. Today's subject is computer. Lesson the computer keyboard. अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना था, अब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सुना भी था लेकिन बिल्कुल पढ़ा नहीं था कि अलग अलग पार्ट्स के बारे में. आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं. As you use your pencil to write, जिस तरीके से आप पेंसिल से कुछ लिखते हो, similarly the keyboard helps you to input data into the computer. उसी तरीके से हम कीबोर्ड का यूज़ भी कोई भी डाटा कंप्यूटर तक भेजने के लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग होता है. A keyboard is an important input device of the computer. कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है. It has many keys on it. और इसमें बहुत सी keys यानी कि बटन होती हैं. These keys are used to type letters. उन बटनों का प्रयोग type letters type करने के लिए किया जाता है. Numbers and symbols. Number, अंक और symbols. कोई भी चिन्ह के लिए keyboard का प्रयोग किया जाता है. Go through the given pictorial keyboard and learn about the various key. एक diagram नीचे चित्र बना हुआ है, इसमें हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे. कीबोर्ड में कौन सी कीज़ होती हैं, किसको हम लोग क्या कहते हैं, किस की का क्या नाम है. स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ जान लीजिए क्या होती हैं. यहाँ से लेके क्यू से लेके हमारी पूरी जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ये ए टू जेड पूरी, ये हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं. सेकेंड नंबर आ जाते हैं फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ हमारे सबसे ऊपर होती हैं, F1 से लेके F12 तक ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं. थर्ड आ जाते हैं डिलीट की. डिलीट की ये है. आज हम लोग सिर्फ कीज़ को देख लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में हम फिर बाद में पढ़ेंगे. डिलीट की एक ये भी डिलीट की है. के बाद आ जाते हैं कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की, इसे हम लोग कैप्स लॉक की बोलते हैं. स्पेस बार, ये हमारी स्पेस बार की, जो सबसे कंप्यूटर में जो सॉरी कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है, इसे हम लोग स्पेस बार की कहते हैं. इसके बाद शिफ्ट की, ये हमारी शिफ्ट की है. बैक स्पेस की, ये हमारी बैक स्पेस की, ये हमारी बैक स्पेस की है. सॉरी, ये हमारी बैक स्पेस की है. तो आज आप लोगों ने ये एरो की है, जो माउस का यूज़ हम लोग जिससे हम लोग माउस से जो काम करते हैं, वही की हमारी इन एरो कीज से भी काम होता है. ये चार हमारी एरो की है. एंटर की, ये हमारी एंटर की है. एंटर की ये भी है और एंटर की ये भी है. इनके बारे में आपको जब सारी कीज़ के बारे में अलग अलग से बताएंगे तब ये आपको पूरा समझ में आएगा कि उन कीज़ का यूज़ क्या होता है. तो आज आप लोग अपने अपने घर में कीबोर्ड देखेंगे और सारी कीज़ के बारे में फिर से रिपीट करेंगे कि हमने आज आपको क्या बताया था. ये आपका होमवर्क है, बाकी कल पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉच.